तो हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 8, गति मोशन। इसमें हमने त्वरण तक पढ़ लिया है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन में तीन समीकरण है गति के। पहला समीकरण जो वेग और समय के बीच संबंध बताता है, यानी कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो ये समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। वी बराबर है यू जमा ए टी। यहाँ पर v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? आरंभिक वेग। और a इज त्वरण, एक्सिलरेशन। एंड t इज टाइम। ये था गति का पहला समीकरण। आइए बात करते हैं गति का दूसरा समीकरण, जो कि हमें बताता है स्थिति और समय के बीच संबंध, यानी कि पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशनशिप, पोजीशन और टाइम। तो इसके लिए इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, ए इंटू टी का स्क्वेयर। यू टी यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस 1/2 ए टी का स्क्वेयर। यहाँ पर एस क्या है? तय की गई दूरी। यू है आरंभिक वेग, टी है लिया गया समय, और ए है एक्सिलरेशन। अब बात करते हैं गति का तीसरा समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमें बताता है स्थिति और वेग में संबंध, स्थिति और वेग में संबंध। तो ये इक्वेशन है हमारी 2as इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। 2 into a into s, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है इन दोनों के बीच में, v का स्क्वेयर माइनस u का स्क्वेयर। और हम जानते हैं इन सभी टर्म्स के बारे में, u है आरंभिक वेग, v है अंतिम वेग, t है लिया गया समय, a त्वरण, और s है तय की गई दूरी। तो इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को, गति के समीकरण को हम यूज करके हम न्यूमेरिकल्स आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अंतिम वेग और आरंभिक वेग दिया हुआ है और हमें त्वरण ज्ञात करना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। हमें आरंभिक वेग दिया हुआ है और त्वरण दिया हुआ है और लिया गया समय दिया हुआ है, तो हम तय की गई दूरी निकाल सकते हैं। तो हम गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे। और अगर हमें पता है अंतिम वेग का पता है, आरंभिक वेग का पता है, तथा हमें त्वरण का पता है, तो हम तय की गई दूरी भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ये न्यूमेरिकल करते टाइम हमें काम आती हैं। अभी हम पढ़ेंगे गति का ग्राफीय वर्णन, ग्राफ के द्वारा हम गति को कैसे वर्णन करते हैं।